हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल निटिंग पैटर्न बुनना सिखाऊंगी। इस पैटर्न को आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में और बेबी के सेट में डाल सकते हैं। इसको बनाने के लिए जो स्टिचेस हमें चाहिए वो आप 3-3 के मल्टीपल में लेकर उसमें 2 स्टिच ऐड कर देंगे। 3-3 के मल्टीपल में फंदे लेकर उसमें जब हम 2 फंदे ऐड कर देंगे तो ये डिजाइन किसी भी प्रोजेक्ट में सेट हो जाएगा। तो चलिए इसको बुनना स्टार्ट करते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 11 स्टिचेस लिए हैं, 11 फंदे लिए हैं, 3-3 के मल्टीपल में 9+2। इस तरह से 11 स्टिचेस डालने के बाद दोनों साइड से सीधा सीधा बुनते हुए कुछ रोज ऐसे बॉर्डर बुन ली है। अब राइट साइड से इस डिजाइन को हम डालना स्टार्ट करेंगे। 4 रोज का डिजाइन है। राइट साइड फर्स्ट रो डिजाइन की देखिए किस तरह से बुनेंगे। फर्स्ट फंदा इसको तो हम स्लिप करेंगे, फिर धागा ऐसे आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब नेक्स्ट 3 फंदों को जिस तरह से हम बुनेंगे ऐसे ही 3-3 फंदों को हम पूरी रो में रिपीट करते हुए बुनेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट 3 फंदों में से जो पहला फंदा है इसको मैं सीधा बुनते हुए इसके 2 बनाने हैं। तो पहले इसको हम ऐसे फ्रंट लूप से सीधा बुनेंगे, फिर इसी फंदे को ऐसे हम बैक लूप से सीधा बुनेंगे। तो ऐसे इस फंदे के हमने सीधा बुनते हुए 2 बना दिए हैं। अब धागा पीछे से आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो जैसे हमने इन 3 फंदों को बुना है इसी तरह से नेक्स्ट 3 फंदों को बुनेंगे। धागा पीछे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट 3 फंदों में से जो पहला फंदा है पहले फ्रंट लूप से सीधा बुनेंगे, फिर इसी फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे। ऐसे हमने इसके 2 बना दिए सीधा बुनते हुए, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। अब नेक्स्ट 3 फंदों को फिर हम ऐसे ही बुनेंगे। पहला फंदा ऐसे फ्रंट लूप से सीधा बुनेंगे, फिर इसी फंदे को बैक लूप से सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट 2 फंदे ये उल्टे बुनेंगे। तो इस तरह से हमने ये राइट साइड के डिजाइन की फर्स्ट रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम सेकेंड रो पर आ गए हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट 4 फंदों को जिस तरह से हम यहाँ बुनेंगे ऐसे ही 4-4 फंदों को हमें पूरी रो में रिपीट करते हुए बुनना है। तो आप देखिए नेक्स्ट 4 फंदों में से जो स्टार्टिंग की ये 2 फंदे हैं, ये 2 फंदे वो फंदे हैं जो हमने राइट साइड में एक फंदे के सीधा बुनते हुए 2 बनाए थे। इन दोनों फंदों को हम इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का 1 बना देंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। तो जैसे हमने इन 4 फंदों को अभी बुना है, नेक्स्ट 4 फंदों को फिर ऐसे ही बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, इन दोनों फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का 1 बना देंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, उल्टा बुनते हुए 2 फंदों का 1 बना देंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, नेक्स्ट 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। राइट साइड में जो भी हमारे फंदे बड़े थे वो हमने यहाँ पे 2 का 1 करके सेट कर दिए हैं। तो अब सेकंड रो को बुनकर कंप्लीट करने के बाद हम राइट साइड की थर्ड रो पर आ गए हैं। राइट साइड की इस थर्ड रो को हमें सीधा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। राइट साइड की इस थर्ड रो को हमने सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम रॉन्ग साइड की फोर्थ रो पर आ गए हैं। अब रॉन्ग साइड की इस फोर्थ रो को हमें उल्टा बुनकर कंप्लीट करना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे और इस तरह से उल्टा बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस फोर्थ रो को हमने उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो हमारे डिजाइन की 4 रोज थी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब राइट साइड से फर्स्ट से लेकर 4 तक जो ये 4 सलाइयां मैंने आपको बुनकर बताई हैं, इन्हीं को हम रिपीट करेंगे। तो ऐसे 4-4 सलाइयों को रिपीट करते हुए आगे इस पैटर्न को हम बुनते जाएंगे। तो जब हम आगे इसको बुनते जाएंगे तो देखिए इस तरह से ये पैटर्न हमारा आगे आगे बढ़ता जाएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। Thank you so much for watching.
We'll be right back.